फ्रेंड्स, आज मैं सिखाने जा रही हूँ टमाटर सूप। चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। ये कुछ टमाटर हैं, गार्लिक है, प्याज है और ये स्प्रिंग ओनियन है। ये सब हम ऐसे ही इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के ये सब इसमें डाल देंगे एज इट इज़, और इसकी 4 से 5 सीटी लगवा लेंगे। ये सब इसके अंदर चला जाएगा। इसमें डालेंगे 1 स्पून तेल ताकि बाहर ना आए, नमक, ये थोड़ा पानी, और इसको हम ढक देंगे। 5 सीटी लगाएंगे पानी। अब आप बोलो, यहाँ पे हमने थोड़ा अदरक भी डाला है। अभी हम 5 सीटी का वेट करते हैं। आप चाहो तो इसमें अदरक भी डाल सकते हो। यस, आप चाहो तो अदरक भी डाल सकते हो या नहीं भी डाल सकते। तो अभी हम 5 सीटी का वेट करेंगे, उसके बाद में आपको वापस आते हैं। अब हम इसको छान लेंगे। अभी देखिए, ये हम यहाँ से स्किन इसकी निकल जाएगी, ये ऐसे टमाटोज हो जाएंगे। ठीक है, ये स्किन ऐसी ही निकलेगी। ये देखिए, इसको हम निकाल देंगे। अभी भी गर्म है, हो सके तो आप ठंडा करके डालिएगा ये सब। अभी ये स्किन हम ऐसे ही निकाल देंगे। अभी देखिए, अभी हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये देखिए, ऐसे करके ये पूरा लहसुन निकल जाएगा। ठीक है, या तो आप छिलका पहले से ही निकाल दीजिए, या तो साथ में क्रश भी कर सकते हैं, चलेगा, वो भी चलेगा, है ना। तो ऐसा करके भी हम डाल सकते हैं। तो आप किसी भी दाल या सब्ज़ी में ऐसे ही अखा लहसुन डालेंगे तो उसमें क्या फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो आप ऐसा करके इनको डाल सकते हैं। और अभी लहसुन, गार्लिक की, जिंजर की, टमाटोज की, सारे मिक्सचर की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना अभी से, तो जब बनेगा तो और भी डिलीशियस लगेगा। अभी हम इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। अभी ये देखिए, प्यूरी बन गई है, कलर कितना अच्छा आया है। अभी हम इसको लेंगे ताकि इसमें जो सीड्स हैं या कुछ और पल्प्स हैं वो सब निकल जाए। ये जो टमाटोज का थोड़ा पानी था वो हम इसमें थोड़ा सा डाल के मिला के ये भी निकाल लेंगे। अभी हम इसको पूरा छान लेंगे। ये देखिए, नीचे इतना अच्छा आ रहा है। हमें चाहिए कि हम रेड ही टमाटोज लें, जितना हो सके रेड लेंगे तो अच्छा है, कलर अच्छा आएगा। तो मेरे पास कुछ रेड थे और कुछ, एक दो ही थोड़े से येल्लोइश थे, लेकिन मैंने 5 सीटी लगवाई ताकि जो येल्लोइश थे वो भी अच्छे से हो जाए। अभी हम ये पूरा निकाल लेंगे। अभी हम ब्रेड को सेक लेते हैं, थोड़ा काट लेंगे हम स्क्वायर में। फिर उसके बाद इधर हल्का सा तेल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमें हेल्दी बनाना है, ज़्यादा और नहीं डालना है, बस चिपके ना, इसीलिए हमें थोड़ा सा तेल डाल के इसको फ्राई कर देना है।
सा चाहिए तो आप बटर भी डाल सकते हो फ्लेवर के लिए। हम थोड़े थोड़े करके ऐसे इनको सेक लेंगे, थोड़े कड़क कड़क रहे इसलिए हम ज़्यादा करके फ्राई करेंगे इसको। अभी हमने ब्रेड क्रम्स सेक लिए, अभी हम इसको निकाल देंगे। ये हमने पूरा छान लिया है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है। थोड़ा बटर अभी हम डाल देंगे, थोड़ा सा तेज पत्ता डालेंगे हम। ये हम डालेंगे पानी, पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर,